देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें। आगरा के थाना इतामदपुर क्षेत्र के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार को एक बड़े सड़क हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल है। हादसा थाना इतामपुर क्षेत्र के झरना नाले के पास हुई जब अवध डिपो की जनरत बस एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ते हुए 50 फीट गहरे नाले में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में 44 लोग सवार थे। अभी तक 29 शवों को निकाल लिया गया है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। खाई में पानी भरे होने की वजह से बचाव राहत कार्य में मुश्किल आ रही है। अभी तक हादसे की वजह का पता नहीं चल सका है। बता दें बस लखनऊ से गाजियाबाद जा रही थी। मौके पर DM और SSP के साथ तमाम आला अफसर मौजूद है। SSP बबुल कुमार ने बताया कि लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही बस यमुना एक्सप्रेसवे पर रेलिंग तोड़ते हुए नाले में जा गिरी। इस हादसे में अभी तक 17 लोगों को निकाला गया है। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई है जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। SSP ने बताया कि हो सकता है कि ड्राइवर की आंख लगने की वजह से हादसा हुआ हो। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। लोगों के सामान से मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही इस भीषण सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।